हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा। इन टुडेज वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द फंगस सेप्रोलेग्निया। ओके, सेप्रोलेग्निया की लाइफ साइकिल हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है, ठीक है, बट उसके कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम याद होने चाहिए, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत छोटी सी वीडियो है जिसमें हम सिर्फ सेप्रोलेग्निया की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेप्रोलेग्निया फंगस के, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखो जो सेप्रोलेग्निया है, सेप्रोलेग्निया कॉजेज साल्मन डिजीज ऑफ फंगस। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो सेप्रोलेग्निया है वो कौन सी डिजीज कॉज करती है। इट कॉजेज साल्मन डिजीज ऑफ फिशेस, नॉट फंगस, इट कॉजेज द साल्मन डिजीज ऑफ फिशेस। ओके, सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप ऑफ zoospores, दैट इज प्राइमरी zoospore एंड सेकेंडरी zoospore। हमें सेप्रोलेग्निया की लाइफ साइकिल में एक ही लाइफ साइकिल, एक कंप्लीट लाइफ साइकिल जब चलती है उसी टाइम हमें दो टाइप के zoospores देखने को मिलते हैं, दैट इज प्राइमरी zoospore और सेकेंडरी zoospore। थर्ड वन जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसका वो है प्रोलिफरेशन ऑफ zoosporangium। प्रोलिफरेशन ऑफ zoosporangium का मतलब क्या होता है कि ये एक हमारा इस ये यहां पे से क्या है, ये हमारी फंगल हाइफी है, ठीक है, ये क्या है हमारी फंगल हाइफी और यहां से क्या हो गया zoosporangium का डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, यहां पे किससे क्या हो रहा है, zoosporangium का डेवलपमेंट हो रहा है। ये क्या है, हमें पता है कि zoosporangium कहाँ से डेवलप होता है, हाइफी से डेवलप होगा। अब ये जो यहाँ पे से zoosporangium का डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पे क्या बनेंगे, हमारे zoospores बनेंगे बहुत सारे और वो क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है, ये zoospore क्या हो जाएंगे हमारे, लिबरेट हो जाएंगे। बट जब पहले ये एक बार ये zoospore बन गए, एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई, बट जब नेक्स्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी, नेक्स्ट टाइम में हमें क्या देखने को मिलेगा, यही zoosporangium में से, ठीक है, ये जो zoosporangium है इसी में से हमें सेकेंडरी zoosporangium, जो दूसरा zoosporangium बनेगा, नया zoosporangium, वो इसी के अंदर बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, वो zoosporangium यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे क्या बनेगा, सेकेंडरी zoosporangium, और ये क्या था हमारा प्राइमरी जो पहले बन गया था फर्स्ट लाइफ साइकिल में, और ये क्या होगा हमारा सेकेंडरी zoosporangium, ठीक है। तो इसी में इसी को हम बोलते हैं कि प्रोलिफरेशन ऑफ zoosporangium, जो zoosporangium पहले बन चुका था फर्स्ट लाइफ साइकिल में, उसी में से हमें क्या देखने को मिलेगा, नया zoosporangium देखने को मिलेगा, और फिर इसके अंदर क्या होंगे, zoospore डेवलप होंगे, और धीरे धीरे जब वो zoospore डेवलप होंगे यहाँ पे, और जो एपिकल पीक, यहाँ पे ये क्या होगा, एपिकल पीक होगा या फिर पोर होगा, ठीक है, इस एपिकल पोर से जहाँ से पहले वाली लाइफ साइकिल के zoospores रिलीज हुए थे, वहीं से ही ये वाले zoospore भी क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ zoosporangium, यानी कि जो zoosporangium है वो बार बार से क्या हो रहा है, प्रोलिफरेट हो रहा है, एक zoosporangium में zoospore बन रहा है, फिर उसी के अंदर से नया zoosporangium बन रहा है, फिर इसी के अंदर से नेक्स्ट नया zoosporangium बनेगा, तो इसी को हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ zoosporangium। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत छोटी सी वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।